तो गाइस, तो हमारी गाड़ी में फॉल्ट आ गया था, तो हमने वो देख रहे थे कि क्या हो गया है, तो चलते हैं। अब बारिश भी आने लग गई है, तो अंकित भाई कह रहे हैं अंदर बैठना चाहिए, अपना उतरे नहीं, और मैं गाड़ी देखने बाहर गया तो वॉच कर रहा था कुछ। क्या बात, अंकित भाई कह रहे कि अंदर बैठो तो बाहर। यार देखो, जब हमारे साथ पप्पू मैकेनिक का एक आदमी हो तो हमें क्यों उतरना था। वो दिखा देता हूँ कौन है, आप गेस कर सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे। और अभी हो रही है मॉर्निंग एंड मैं रेडी हो चुका हूँ। आज मैंने पहले से ब्लॉग शूट नहीं किया, तो अभी आपका 12 बजने वाला है समथिंग। सो मैं घर पे हूँ और आज मौसम है जो ना काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ रहा है बाहर से, तो चलते हैं हम बाहर की तरफ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को। और आज घर पे तो आज भी ब्लॉग शूट करना मुश्किल है, क्योंकि सीधा निकल रहा हूँ मार्केट को ही फिलहाल, क्योंकि थोड़ा मुझे काम है एंड आज फ्रेंड लोग भी हैं। तो कल का शायद आई थिंक हमारा मुक्तेश्वर जाने का जो प्लान बन रहा है, तो देखो क्या होता है, अभी कुछ ऐसा पक्का नहीं है, बट चलते हैं, वहीं जाके डिसाइड भी हो जाएगा और थोड़ा सा हम घूम के आएंगे और जो काम है वो भी हो जाएगा। तो चलते हैं मार्केट को। सो गाइस, तो मैं हूँ अपने घर के बाहर से और सभी लोग जो हैं अपने अपने रूम पे, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा, अब तो हल्की सूप आने लग गई वैसे, बट सब शायद डिनर कर रहे हैं, आई थिंक सॉरी लंच कर रहे हैं, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है। और हम निकल रहे हैं थोड़ा मार्केट को, क्योंकि जाना है थोड़ा मार्केट तक, कुछ काम है उसको निपटा के आते हैं। दादाजी हैं जी, हाँ आपका फेस पे पड़ लें, क्योंकि आज श्राद्ध है आई थिंक, ऐसा बता रहे थे, तो आज सोते नहीं आज के दिन। चलता हूँ मैं मार्केट तक, अपना जो है छोटा सा काम करके आते हैं, और कल का जो मुक्तेश्वर का प्लान है उसको देखते हैं क्या होता है, डिसाइड करते हैं। गाइस, तो मैं आ गया अपनी गाड़ी पे और चलते हैं हम मार्केट को, क्योंकि घर पे तो सोए हैं और मौसम काफ़ी बढ़िया सा हो रहा है अभी, और आपका धूप तो आई नहीं है वैसे, बट खुला खुला सा हल्का बढ़िया, कुछ नहीं कह सकते मौसम को, मतलब अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, नॉर्मल है। तो चलते हैं मार्केट को, तो वहाँ भाई लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ोन पे फोन आ रहे थे, कह रहे थे कितने देर में आ रहे हो, मैंने कहा बस आ रहा हूँ 5 मिनट में, बट 5 मिनट का मैं तो अभी घर ही पे हूँ, तो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, तो मैं पहुँच गया हूँ आपका ऊंचा पुल, और यहाँ आज तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट बीच में दो एक दिन से तो बारिश के माहौल से मतलब ऐसा हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि हाँ यहाँ पे बाजार है करके, बट मैं तो जा रहा हूँ अभी, आप देखो यहाँ 600 बारे में बैठे हूँ, फोन आया था फिर से, बोल रहे थे कि हम यहाँ बैठे हैं आप आओ, तो यही मिलेंगे हम आपको, देखते हैं उसके बाद कि कहाँ का सीन होता है, कहाँ जाया जाता है, देखते हैं क्या होता है। सोचा तो है थोड़ा ऊपर घूम के आए, वो आएंगे या नहीं आएंगे उसका भी कुछ नहीं कह सकता मैं, चलते हैं जो भी होगा। भाई लोग वेट भी कर रहे हैं, और आपका आज 26 जनवरी भी आने वाली है, कल ही आपका 26 जनवरी भी है, सो होपफुली तभी मैं कह रहा हूँ ये आपका झंडे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, इतने रोड में दिख रहे हैं लोग लेके बेचने वाले, कल 26 जनवरी भी है, क्या होता है देखते हैं। और अभी हम जा रहे हैं आपका मार्केट, तो यहाँ तो गाड़ियाँ भी सब उल्टी सुल्टी डाल देते हैं, यहाँ तो मतलब कोई वो भी नहीं है, रोकने का तो नाम ही नहीं है, आप किसी तो चलते हैं मार्केट, आप ऐसे ही बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय करिए। डीसी चौराहे पे, यहाँ से सामने है हमारा कॉलेज, और फिर भाई लोगों की आ गई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए तो भाई की फिर से कॉल आ गई है, उनके भाई लोग वहाँ बैठे हैं, तो ये तो कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। और यहाँ बताओ, ये गाड़ी घुमाने के लिए दो लोग लगे हुए हैं, मैं तो बड़ा बुरा हाल करता था, भाई पता नहीं क्या करने की सोच रहा है, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ तो वो भी चले गया और हम आगे आगे को, यहाँ है जो डीसी चौराहा।
रहा है आपका सामने, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी कहाँ ला रही है, एक भाई आगे से ला रहा है गाड़ी, पता नहीं कहाँ टेढ़ी टेढ़ी। यहाँ ऑटो वाले ऐसे जाम लगाए रखते हैं ना, पूछो मत, ऐसा जाम है जो यही कर रहते रोड को। अंकित भाई अब सेफ ड्राइव करेंगे। तो हमारे साथ सूरज भाई बैठे हैं। हेलो दोस्तों, तो सूरज भाई जो है संध्या दादा कोटी को वोट दे। तो यहाँ पे मोहन पाल को टिकट नहीं मिला तो सूरज भाई को दिल में बहुत बुरा लगा। तो इसमें ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये ब्लॉग है डेली, तो इसमें कोई ऐसे पॉलिटिक्स। तो गाइस तो अभी कर रहे हैं हम एक भाई का वेट, बट मैं तो नहीं जानता हूँ भाई को, अंकित भाई का मित्र है। अभी आ जाएगा वो। नाम क्या है भाई का? दीपक उसका नाम है। और हमारे साथ सूरज भाई और अंकित भाई है। देखो ऐसा होता है, देखो बार बार हेलो और बार बार उंगली नहीं करनी चाहिए, ये आपको भी पता है। तो हमारे जो सूरज भाई है थोड़े ज्यादा उत्सुक है, देख सकते हैं ये चुटियाधारी हमारे, ये थोड़े ज्यादा उत्सुक है। हेलो थोड़ा सा इनके मुंह से फ्लो में हेलो हो जाता है। आए हैं बीच में, मैं कर रहा हूं। तो क्या भेजते हो भाई? आ गया दीपक। तो हमारे साथ एक भाई और आ चुका है, तो अब हम जाएंगे। हेलो, मास्क वास्क निकाल लो भाई लोग। अभी हम गाड़ी में सब भाई लोग बैठे हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो चलते हैं हम काठ गोदाम को। ये बैठे अंकित भाई, मास्क मत लगाओ यार। अरे तुमने अच्छा अंकित भाई काली कर सकते, आपको दिखाऊंगा मैं, मेरे सारी इस पे पड़ी है। कोई बात नहीं यार, देख लेना। हमारे साथ भाई लोग बैठे हैं पीछे, तो हेलो कर दो सबको। तो भाई लोग पीछे हैं और मैं अपना शीशा है जो क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आएगी वॉइस नॉइस। अब मैंने कर दिया नॉइस का इफेक्ट। तो अभी हम काठ गोदाम से भीमताल रोड पे जाएंगे, प्लान कैंसिल हो गया वहाँ का, तो कहीं और भी जा सकते हैं। ये मत कहना कि वहाँ का आता था लेकिन चले कहीं और गए। फिलहाल काठ गोदाम पहुंचेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कहाँ जाते हैं। प्लान कहीं का भी बन जाता है, प्लान कहीं का भी जाता है। यस ब्रो, हम अभी आपका आ गए हैं काठ गोदाम से ऊपर। और जो आगे मौसम है काफी बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका किचन है और हमारे अंकित भाई जो ड्राइव कर रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ हमारे भाई लोग बैठे, सूरज भाई और एक भाई और है, और हमारे आगे से लगा दिया ट्रक, ये हटने का नाम ले रहा है, बहुत देर से आगे से चल रहा है। तो अंकित भाई से ऐसा कहना नहीं हुआ कि साइड से निकाल ले जाओ, अंकित भाई ये गाड़ियां भी नहीं है, उसके बाद चला रही है। तो एक हम उड़ाते हुए ले जाते हैं, ये से चल रहे हैं प्यार तो भी देता है, तो ये काफी बेहतर है। बट इनसे कह दिया ना अगर हमने चलो तो ये देखते नहीं है गाड़ी अभी आ रही है, तो चलते ही जाते हैं भले ही वो गाड़ी आते रहे। प्यार तो चलते हैं। तो गाइस तो अभी हम आपका पुल पे जो मोड़ है पुल है वहाँ पहुँच गए हैं। अंकित भाई तो अपने फोन पे मगन हो जा रहे हैं। गाइस ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो अंकित भाई ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि गाइस सब देख लिया, गाइस अब तो सब देख लिया गाइस, बिल्कुल काफी ज्यादा घूम गए हैं। अरे पुल बन गया गाइस, मजबूत पुल बनाने में गाइस यहाँ चल रहा है पुल का काम गाइस, पुल बनाने में तोड़ के डाल देंगे। देख सकते हैं आप आगे पुल काफी ज्यादा खराब हो गया है, काम चल रहा है, अंकित भाई के ठेकेदार लगे हुए हैं। तो यहाँ चल रहे हैं, आप पे देखिए जेसीबी कितनी बड़ी, और आपका जो आप देख सकते हैं वॉल्वो का जो चल रही है यहाँ,
ब्लॉग में तो काफी बढ़िया हो रहा है जनसंख्या, तो आप देख सकते हैं सूरज भाई कह रहे हैं ब्लॉग में दिखाओ मुझे, मुझे दिखाओ नहीं कहा, मैंने कहा उधर प्रेत आत्माएं जल रही है, मैंने कहा उनको दिखाओ। ओके 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 सर ओके। संकेत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा एडिटिंग अच्छी करना, तुम्हारे ब्लॉग में बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो भाई ने पहले मास्क लगा लिया है, तो भाई कह रहा है मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि भाई ने मास्क लगाया है, इसी वजह से भाई है साइलेंट बाकी है वायलेंट। देख सकते हैं भाई हम आ गए काफी ऊपर और यहाँ हमें जो भुट्टे हैं वो ढूंढ रहे हैं भाई, मिल नहीं रहे, रोड में कुछ नहीं दिख रहा है, शायद इस वजह से ना बारिश हुई होगी तो मुझे लगता है भुट्टे सूखे नहीं होंगे, बारिश की वजह से शायद आए नहीं है क्योंकि यहाँ रोडें पूरी गीली हुई हैं। और अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो गाइस 16 किलोमीटर बाद हम खुद भीमताल में होंगे और हम वहाँ एंजॉय करेंगे गाइस, वहाँ एंजॉय करने जैसा तो कुछ नहीं है लेकिन फिर वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए, फिर भी देखते हैं थोड़ा 2-3 मोड़ और ऊपर, वहाँ पे एक शॉप है उसके आस पास लगाते हैं भुट्टे, अगर वहाँ पे होंगे तो जाते हैं, नहीं होंगे तो फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे क्योंकि आस पास की जगह हमने सारी देख ली थी गाइस, इस वजह से गाइस बट वहाँ कुछ नहीं मिला, माहौल है वो ऐसे ही है गाइस, ये तो एक मन बन गया गाइस कि आज थोड़ा सा है ना ऊपर तक वो आते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा ऊपर तक जाके मजा लेके आते हैं बट भुट्टे मिल ही नहीं रहे तो करे क्या, मजा कैसा आएगा, इन सभी मजे में ही सजा मिल रही है। तो गाइस तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, मैंने कहा अंकित भाई से गाड़ी घुमा लो, बट देखिए अंकित भाई काफी हैवी ड्राइवर है, ऊपर से आ रही है बड़ी बुलेरो पिकअप और अंकित भाई वहाँ गाड़ी लगा दिया आगे से उसके। सो हम आए थे भुट्टा खाने बट यहाँ भुट्टा तो है नहीं, तो चलते हैं आपका अब नैनीताल रूट पे क्योंकि वहीं जाके हमें शायद ऐसे ही भुट्टा मिल पाएगा और यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, तो देखते हैं वहाँ भी मिलता है तो। बट यहाँ तो गाड़ियाँ इतनी सारी आ रही हैं, डर लग रही है आज रोड क्रॉस करने में, पता नहीं इतनी गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं आज, बट काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो अंकित भाई गाड़ी घुमा दी, अब चलते हैं हम भी गाड़ी में, तो ये तो बड़ी गोली ला रहे हैं वहाँ में उड़ाते हुए, और अंकित भाई हमारे गाड़ी घुमा के ला चुके हैं, तो हम भी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अंकित भाई काफ़ी हैवी ड्राइवर है, आप लोगों ने देख ली होगी अंकित भाई की ड्राइविंग, बिना धूल उड़ाते हुए गाड़ी में उड़ते। अच्छा धूल उड़ी क्या? तो बाकी कुछ नहीं था रोड में, नहीं तो वो भी उड़ जाता, पब्लिक नहीं है ना इसलिए अंकित भाई ऐसा कर रहे हैं, वरना पब्लिक को उड़ाते हैं धूल नहीं क्योंकि भाई। तो गाइस तो हमारी गाड़ी में फॉल्ट आ गया था तो हमने वो देख रहे थे कि क्या हो गया है, तो चलते हैं अब, बारिश भी आने लग गई है। अंकित भाई बारिश आने लग गई, अंदर बैठना चाहिए, बाहर कौन देखेगा। तो अंकित भाई कह रहे हैं अंदर बैठना चाहिए, अपना उतरे नहीं और मैं गाड़ी देखने बाहर गया तो वॉच कर रहा था कुछ, अंकित भाई कह रहे कि अंदर बैठो तो बाहर। यार देखो जब हमारे साथ पप्पू मैकेनिक का एक आदमी हो तो हमें क्यों उतरना था, वो दिखा देता हूँ कौन है, आप गेस कर सकते हैं। सेम टू सेम ही काटू धाम पे आपका, काटू धाम पे ही वो है और आपका आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जो है पहाड़ नीचे आ रहा है खिसक खिसक के, तो यहाँ तो बड़ी डेंजर डेंजर जोन हो गया है, और यहाँ आज टूरिस्ट बस है, बस अभी आ गया टूरिस्ट के, वहाँ चल रहा है पुल का काम, तो यहाँ से तो अभी हम वेट करना पड़ेगा क्योंकि आगे कर दिया है बंद। तो गाइस तो अभी गाड़ी के बाहर से आया हूँ और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया है, मैं आपको दिखाऊँ पुल पे चढ़ के, तो आप देख सकते हैं वहाँ उतनी सारी गाड़ियाँ हैं, जब तक ये सारी गाड़ियाँ आएंगी उसी के बाद तो हमारा नंबर आएगा, बट यहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ हमारी गाड़ी है वह हमारे अंकित भाई देख सकते हैं वहाँ बैठे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि बाई चांस कब आएगी, एंड वहाँ चल रहा है पुल का काम, तो अभी यहाँ एक पुल और बन रही है तो जिससे दोनों गाड़ियाँ एक साथ जा पाएंगी, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो हमें वैसे भी 5 मिनट हो गए हैं, बट 5 मिनट समथिंग और वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में ट्रक वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं तो इस वजह से, और मौसम है जो काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ,
तो चलते हैं हल्द्वानी को देखते हैं, हल्द्वानी को जाते हैं, आगे जाते हैं कुछ पता नहीं है, तो वहाँ भी काम चल रहा है तो मैं भी चलता हूँ गाड़ी पे। ठंडा हो रहा काफ़ी ज़्यादा और भाई ने हमें एक चीज़ दिखा पापा गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं आप बिस्कुट का आपने सोफिस बना रखा है आगे अंदर, काफ़ी अंदर बिस्किट बिस्किट रखे आगे शीशे में सजा के। हम लोग आगे चौमिन, अंकित भाई तो स्टार्ट है चकर पकड़ पकड़ और विजय सूरज भाई और दूसरा भाई बैठा है देख सकते हैं अंकित भाई। मैं नहीं खा रहा था, पीछे वाला है आवाज निकाल ले खाते में पीछे वाला है, सुना तुमने एक और आवाज तो स्टाइल से खाते हैं, अभी देखना अंकित भाई खाएंगे तो अंकित भाई खाने का ही जो स्टाइल है ना बहुत अलग सा है सबसे हटके। तो देखिए अंकित भाई अभी कैमरा ऑन है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को खा के दिखा नहीं रहे बट ये देखो कितना सा ले रहे हैं। मैं भी कैमरा ऑफ करूंगा ना तो ये प्लेट बस 2 सेकंड लेंगे खत्म होने में। तो सो गाइस हम आ गए हैं दोबारा से चाय छुट्टा बार पे, तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी पे जाऊंगा और भाई लोग जा रहे हैं, तो अंकित भाई अपने घर को जाएंगे और भाई लोग जो है ये जाएंगे अपने अपने वहाँ को। हम अपने घर को जाएंगे, तुम अपने घर को जाओ अच्छे से बस। अच्छा अपने घर जाओगे ना, किसी और घर तुम जाओगे तो ठीक हो गया, ओके हमारे वहाँ भी आना है, मना नहीं है भाई लोगों के लिए, वेलकम है। चलते हैं फिर अंकित भाई, चलते हैं, बाय बाय बाय, ओके टाटा, ओके ओके जाना तुमने ही है। तो गाइस तो भाई लोग चले गए हैं एंड मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी पे, तो हम चलते हैं तिगुनिया की तरफ क्योंकि भाई वहाँ एक है जो वेट कर रहा है, तो हम चलते हैं तिगुनिया। अभी मैं आऊँ आपका चाय सट्टा वहाँ पे, अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, भाई ने कहा था उसी में चलना है, तो मैंने कहा ठीक है दो गाड़ी तो क्या ले जाते, बट अब मैं चलता हूँ आपका। तो भाई तिगुनिया पे है तो वहाँ चलते हैं। तो मैं घर पहुँच जाऊँ एंड बैंक खड़ा हूँ घर के बाहर से, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा कोहरा वगैरह तो कुछ है नहीं आज, तो हल्की सी गाड़ी के अंदर जो हीटर चला था उससे गर्मी हो रही थी तो मैं हवा चल रही ना बाहर, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है देख सकते हैं आप। सो गाइस तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे एंड अभी जो है ना मैं मुँह फेस वॉश करके आ गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका बता नहीं सकता इतना ऑयली हो गया था फेस ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग से गया था मैं बट अभी घर आया हूँ, तो अभी मैंने वॉश वॉश किया तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था, तो मैंने फेस वॉश किया पहले जाती कपड़े चेंज करें। तो अब मैं आया हूँ रूम पे और हमारी चाय है जो वो आ गई है देख सकते हैं आप, तो हम पीएंगे थोड़ा चाय। एंड बाहर से ना अभी थोड़ी देर पहले कोहरा बिल्कुल नहीं था बट अभी अभी इतना ज़्यादा कोहरा आ गया, मैं बता नहीं सकता आप बहुत ज़्यादा, बट ये कोहरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हमारा जो टाइगर है वो भी पता नहीं कहाँ खो गया है, सो इसको पकड़ के रखा है हमने ऐसे रखा है, छोटा टाइगर हमारा ये है अब, क्योंकि वो टाइगर ना पता नहीं कहाँ चले गया है, अगर किसी को दिखे तो बताना ज़रूर, पर तो पता नहीं कहाँ चले गया, पता नहीं चल रहा उसका। सो जो भी है कोई बात नहीं, तो है चाय क्योंकि ठंडा हो रहा है, चाय रहा एकदम से मस्त हो रही है, इस पर हल्की इलायची भी डाली तो इलायची का काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट बता नहीं सकता आप लोग, बहुत बेहतरीन टेस्ट आ रहा है। तो हम चाय फिनिश करते हैं पहले फिर मिलते हैं। सो गाइस तो मैं आ गया दोबारा से रूम पे, बट अब करता है डिनर क्योंकि आज डिनर कर लेते हैं क्योंकि आज बने चावल तो जल्दी बन गए थे, सो ठंडे हो जाएंगे तो फिर बहुत अजीब से लगते हैं ज़्यादा ठंडे चावल, तो हम टाइम से कर लेते हैं, खाएंगे तो चावल होते हैं ठंडे, तो ऐसा ना हो कि कोई तबीयत ख़राब हो जाए, बट आज चावल है तो चावल ही खाने पड़ेंगे, रोटी तो आज मिलेगी नहीं क्योंकि आज रोटी नहीं बनती है, वीक है आज, आज दादाजी ने हवीक रखा था, सो चलता हूँ मैं खाना खाता हूँ, रखा खाना तो मम्मी खाना तो ला गई है, आप देख सकते हैं ये है मेरे चावल और आपका आलू की दाल है और ये है हरी सब्जी, तो खाते हैं हम इसको तो फिर मिलते हैं। एंड आप लोग बने रहिए ऐसी ब्लॉग में, आप इंजॉय करिए फन करिए, तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। सो गाइस तो मैं फाइनली अपने रूम पे आ चुका हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बहुत कोहरा आ गया आज तो बाहर से, बट ऐसा हो गया ना मेरे घर के रूम के मतलब ये डोर है जो डोर से जस्ट आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा लिटरली कोहरा आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज पता नहीं क्या है ठंडा भी काफ़ी हो रहा था, बट शाम के टाइम पे तो मौसम पूरा का पूरा खुला था बट एकदम से आ गया कोहरा, और दिनों जब कोहरा आया रहता है तो इतना कोहरा नहीं आता, बट आज तो एकदम से ऐसा कोहरा आ गया ना घनघोर, सब बंद हो गया। एंड कल है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हम देखेंगे क्या होता है,
आज का ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि आज मार्केट गए थे, बस वही काम हम किए, घर आ गए और हो गई रात। इतना ही ब्लॉग रहा हमारा आज का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 1K करवाएं जल्दी से क्योंकि 1K होने वाले हैं, थोड़ा ही बचे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।